तो हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का जो नाम है राजनीति विज्ञान में, वो है आपका भारत की राजनीति और सरकार, ठीक है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस में किसी का मेजर पेपर में होता है, किसी का माइनर में, किसी का एमडीसी में। मेन मुद्दा हमारा ये है कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है, अगर आपका मैच करता है, फिर आपका पेपर का नाम कुछ भी हो, सब में काम देगा। वैसे रांची विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय और जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं रांची यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड, उन सभी के काम में आने वाला है, ठीक है। और SKMU के भी काम में आएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो अपना मैच कर लीजिएगा। सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। प्रोफेसर गेस्ट पेपर का आ चुका है, जो लोग नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर लिया था, अब हम लोग करने वाले हैं आज सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव 75 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपका इस टाइप से कुछ है। और ये टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्टिव है ये 75 है। हालांकि आपके एग्जाम में, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपके एग्जाम में 5 गो ही ऑब्जेक्टिव आएगा, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 5 गो आएगा 1 मार्क्स वाले, ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, चलिए काफी बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, कौन फोन कर रहा है यार। यार एक पेशेंट फोन किया कि हमको सैंपल टेस्ट करवाना है, टाइफाइड हो गया। तो हम बोले यार अभी हम काम छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो पहले हॉस्पिटल में काम करते थे ना, तो नंबर लोगों के पास पहुंच गया, 3 साल काम किए हैं पैथोलॉजी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू कर लेते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में मैं बता देता हूँ, 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 आएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स हो गया, 5 नंबर या 2 गो, 1 नंबर या 5 गो, 15 नंबर। और बाकी जितना बचा है सब आपका 15 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, ठीक है। तो ये आपके 15 नंबर वाले हैं, और इसका आंसर आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना और अधिक से अधिक 3 खड़ा पन्ना में देना है। मतलब कम से कम 4 पेज और अधिक से अधिक 6 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है और इससे कम भी नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखिएगा तो टाइम नहीं बचेगा, कम लिखिएगा 2 खड़ा पन्ना से तो मार्क्स कम मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस इन ब्रीफ द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को आपको समझना है कि भारत का जो संविधान है इसकी प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे बताइए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद भारत का संविधान विभिन्न देशों से लिया गया संविधान है, ठीक है, कोई मतलब मिश्रित संविधान है, कुछ यहाँ से ले लिए, कुछ आयरलैंड से, कुछ अमेरिका से, कुछ यूनाइटेड किंगडम से, कुछ दक्षिण अमेरिका से, इस तरह से यहाँ वहाँ से संविधान के भागों को उठाया गया है, ठीक है। फिर बता सकते हैं कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठिन भी है, ठीक है। भारत का संविधान संशोधन में भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें बतानी है भारत के संविधान को लेकर, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं लक्षणों की विवेचना करें, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेम्बल का मेन फीचर क्या है, प्रेम्बल किसे कहते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना आपने सुना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी ऐसा बोलते हुए, ठीक है। तो वही है प्रस्तावना, जो बोलते हैं कि हम भारत की प्रस्तावना को निम्न शब्दों में व्यक्त किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 द्वारा एतद इस संविधान को अंगीकृत करते हैं अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत का संविधान की प्रस्तावना है। इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया, कब लाया गया, कहाँ से लाया गया, ये सारी चीजें आपको जान ली है इसमें। ठीक है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की लंबी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की लंबी समय अवधि के बाद बनकर रेडी हो गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, पहला है, एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर सेम होगा, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछने का तरीका देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें एवं इसकी सीमाओं को इंगित करें। ठीक है, इंग्लिश में कि ब्रीफली एग्जामिन द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफाइन सॉरी आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ स्कीम। ठीक है, अथवा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन करें। डिस्कस ब्रीफली द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज ये भी आ सकता है इसी टाइप से कि भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए समानता और स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करें। कुल मिला के यहाँ पे तीनों में एक चीज कॉमन है, वह है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और ये जो आपका समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है। मतलब मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है, और मौलिक अधिकार के बारे में सबसे बड़ी चीज होती है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, जबकि अब जो है 2002 के बाद इसमें आपका मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है 6। ठीक है, पहले 7 को था। 44वां संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार था एक, ठीक है, उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 12 से 35 तक जो है 6 मौलिक अधिकार को रखा गया है। ये क्या है, 12 से 35 अनुच्छेद आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल नंबर, और भाग 3 में रखा गया है। कौन सा भाग में, भाग 3 में, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, 6 को मौलिक अधिकार है, उन 6 को याद कर लेना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये कितना मैसेज और कितना ईमेल आता है यार तो ये कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ यार, एकदम झूठ मूठ का खाली टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है, मालूम नहीं, डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, इसे क्या है ये नीति निर्देशक सिद्धांत, ये चीज जानना है। दूसरा चीज जानना है कि इसकी विशेषताएं क्या है, कहाँ से लिया गया है, इसका स्वरूप क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो राज्य को चलाने के लिए जिन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के सिद्धांत से, संविधान से। ठीक है, और इसके बारे में आपको जानना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको कैसे चुना जाता है, ये चीज आपको पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है, पहली चीज तो यही लिखना है। ठीक है, और सभी कार्यपालिकाओं का प्रधान होता है। ठीक है, मतलब कि जितना भी आपका प्रधानमंत्री उससे भी बड़ा पोस्ट है, लेकिन नाम मात्र का। कहा जाता है कि भारत के जो राष्ट्रपति है लकड़ी के मोहर के समान है, केवल साइन करने के काम में आते हैं। ठीक है, और शोभा बढ़ाने के काम में आते हैं। देखा जाए तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, लेकिन रियल रूप में, वास्तविक जीवन में राष्ट्रपति महत्व की बात नहीं है। ठीक है, तो ये है, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस इनको डिटेल में पढ़ना है कि उम्र 35 साल होना चाहिए, व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं भी हो फिर भी चलेगा। यही तो सबसे बड़ी गलती है कि भारत के संविधान की, कि पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है। हाँ, नहीं तो यार, मैं अगर सच में अगर मैं संविधान के गहन अध्ययन किया और इस विषय में अगर रिसर्च किया, पीएचडी किया, तो सच में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भारत के संविधान को
कम से कम ये चीज तो मैं लाऊं कि भारत में जितना भी पॉलिटिक्स है एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, तभी आप खड़ा हो पाएंगे। ठीक है, ये चीज मैं बदलाव करने का कोशिश करूंगा, अपने लाइफ को इसमें लगा दूंगा। ठीक है, देखते हैं सक्सेस होते हैं या नहीं। जीवन का एक एम नहीं होगा तो मजा नहीं आता है ना भारत में। लेकिन इतना बड़ा बड़ा बोल तो रहा हूँ, कर पाऊंगा तब तो यार। चलिए जो भी होगा, भारत में राष्ट्रपति के कार्य शक्तियां का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, क्या क्या काम होते हैं राष्ट्रपति के, जैसे सबसे बड़ा काम क्या होता है मालूम है राष्ट्रपति का, कि वो जो है मैक्सिमम लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, जैसे जितना भी सिविल सर्वेंट है सबको अपॉइंट करना, ठीक है, नियुक्त करना, फिर आपका भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, बड़े बड़े पद, राज्यपाल को नियुक्त करना, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना, उच्च न्यायाधीश मतलब जितना भी जज वगैरह है उनको नियुक्त करना, ठीक है, कहीं पे फीता काटना है उनको बुला लिए। फिर राष्ट्रपति के 3 गो मेन पावर है, आर्टिकल 352, 356 और 360, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना लिखिए ना, उसके बाद काफी है। ठीक है, तो बस आगे देखते हैं। अगला है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इसके कार्य अधिकारों को उल्लेख करें। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र जो चाहिए 25 साल उम्र होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं भी है फिर भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, 6 महीना के अंदर बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। क्या क्या शक्ति होता है कि वह जो है जितना भी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अगला हमारा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसकी शक्तियाँ का परीक्षण करें। तो देखिए, जैसा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति को नियुक्ति करने के लिए किया जाता है प्रोसेस, सेम एज वेल एज राज्य में राज्यपाल को किया जाता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इनकी भी उम्र 35 साल। देखिए, प्रधानमंत्री आप 25 साल में बन सकते हैं, उसी तरह से जिस प्रकार एमएलए, प्रधानमंत्री क्या है, वो एक प्रकार के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि सांसद है, प्रधानमंत्री एक सांसद है। ठीक है, और सांसद बनने के लिए उम्र चाहिए 35 साल, सॉरी 25 साल, सांसद बनने के लिए उम्र कितना चाहिए 25 साल। उसी तरह से सांसद हो गया पूरे देश के लिए। ठीक है, लोकसभा सांसद भी होते हैं, राज्यसभा सांसद भी होते हैं, दोनों सांसद कहलाते हैं। ठीक है, और दोनों का जो है उम्र 35 साल होना चाहिए। वहीं राज्य में जो है विधायक होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ राज्यों में जैसे बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, उसमें विधान परिषद भी होता है, तो विधायक और आपका विधायक 2 गो होता है उन कुछ राज्यों में जैसे बिहार वगैरह में। ठीक है, टोटल 6 गो राज्य जहाँ पे आपका एमएलसी होता है, मतलब कि एक मिनट यार लाइन कट गया रे भाई। चलिए, तो कुछ कुछ राज्यों में जो है विधान परिषद भी होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद भी। हमारे झारखंड में केवल विधानसभा है, 6 गो राज्य पूरे भारत में ऐसा है जिसमें विधान परिषद है, यानी कि वहां पे एमएलए भी रहता है और एक एमएलसी नाम के होते हैं जो कि एमएलए के जितने पावर के होते हैं। ठीक है, तो ये भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में एमएलसी है, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए हो गया और एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बताना है कि जिस प्रकार भारत में सांसद का काम होता है, उसी तरह राज्य में विधायक का काम होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह राष्ट्रपति का काम होता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल का काम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोलते हैं और राज्यपाल को गवर्नर। अगला हमारा, झारखंड के मुख्यमंत्री के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। क्या काम बताइएगा, लिख दीजिएगा कि अचरा कचरा राज को कर दिया है। ठीक है, 3-13 करके रख दिया है, एकदम गुड़माटी कर दिया है एकदम। ये सब लिखना है यार कि राज को बर्बादी के पीछे झारखंड का पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा रोल निभाया है, आगे क्या बढ़ाएगा, इन लोग तो पीछे धकेल दे रहा है। चलिए, वैसे पॉलिटिक्स में ना देखा जाए तो आदमी खुश नहीं है कहीं पर भी, एक दो राज्य छोड़ के, जैसे आपका केरल हो गया, केरल पे गवर्नमेंट मस्त है, सीपीआई का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दिल्ली में खुश है आदमी। ठीक है, और बाकी देखा जाए तो कुछ कुछ राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आदमी खुश है। ठीक है, बाकी जगह पॉलिटिक्स से आदमी मतलब ऊब गया है, नेता मतलब झूठ फरेब यही सब याद आने लगता है आदमी को, वॉमिटिंग होने लगता है नाम से ही। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, इसके अधिकारों का वर्णन करें। हाउ इज स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड डिस्क्राइब पावर। देखिए,
लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है। संसद दो को है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा का जो मेंबर होता है उसमें से ही, लोकसभा के जितने मेंबर है 545, उसमें से ही किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। जैसे वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, ठीक है, 16th लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जो कि कोटा राजस्थान से सांसद है। इस तरह से आपको बताना है पूरा डिटेल में। 25 साल उम्र होना चाहिए, 5 साल की होती है। अगला है राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन करें और द्वितीय सदन के रूप में भूमिका का वर्णन करें। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, 1 मिनट यार, क्या है लाइन चलता है बार बार दिक्कत हो जाता है। चलिए, राज्यसभा, जैसे लोकसभा में आप जो एमपी बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो एमपी बनता है ना वो 6 साल के लिए बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और यहाँ पे प्रत्येक 2 साल में चुनाव होता है, राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल में चुनाव होता है। इसको इसलिए इसको भरा पूरा सदन बोलते हैं। ठीक है, और प्रथम जो मतलब राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, मतलब जैसे लोकसभा का एगो हेड होता है जिसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, उसी तरह से राज्यसभा का एगो हेड होता है यानी कि मास्टर होता है। ठीक है, 250 को राज्यसभा सदस्य होते हैं, उसमें से एक वो आदमी हेड होता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा का सभापति, और वो होता है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति। जो भी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति होंगे उसे ही हम लोग राज्यसभा का सभापति बोलेंगे। ठीक है, जैसे वर्तमान में जगदीप धनखड़ है भारत के उपराष्ट्रपति, तो वो राज्यसभा के अभी सभापति है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, और ये आपका 6 साल के लिए बनते हैं। कितना साल? 6 साल। अगला है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, किसके बारे में जानना है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसका गठन कैसे हुआ? क्षेत्र अधिकार, मतलब इनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इनकी शक्तियां कौन कौन सी है, ये 4 चीजें आपको जानना है। ठीक है, तो देखिए, देश की सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, और इस यहाँ पे कितने जज रहते हैं, कितने साल के लिए रहते हैं, कितना सैलरी दिया जाता है, कैसे चुना जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। साथ में लिखना है कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या काम होता है, कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को कोई परामर्श चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से दिया जा सकता है। ठीक है, अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे तो उसके स्थान में कौन आएगा। ठीक है, इन सारी चीजों का आपको जानना है। अगला है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक व्याख्या करें। अब एक वर्ड यहाँ पे आया है आलोचना, आलोचना मतलब है बुराई करना। ठीक है, तो भारत के संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है, मतलब जैसे बदलाव कर दिए, ठीक है, कुछ भी नहीं पसंद आए तो बदलाव कर दिए, जीएसटी लेते आए भारत के संविधान में, तो ये जो है कमी के रूप में बताना है कि नहीं, ये जो है आपका किस तरह से कमी को दर्शाता है। ठीक है, संशोधन से हमें क्या हानि होती है ये चीज बताना है। अगर आपको आलोचना लिखे तो उसकी कमियों को गिनाना है कि क्या क्या कमी है। फिर आपका भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडिया। ठीक है, भारतीय राजनीति में जाति के मध्य संबंधों का वर्णन करें, और जब भी आपको जाति व्यवस्था पूछा जाए तो आपको चारों वर्ण के बारे में बताना है कि प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 को कैटेगराइज किया गया था समाज के वर्गों को, इस तरह से आपको बताना है। इसमें सबसे ऊंचा काम, ठीक है, सबसे नीचा काम किसका रहता था? पढ़ाई ब्राह्मण करते थे, राजा चलाते क्षत्रिय चलाते थे राजपाट, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र लोगों की सेवा करते थे। ठीक है, ये धारणा लोगों में बसी हुई है जिसके कारण अभी भी छुआछूत होता है, लेकिन संविधान में इसके लिए कुछ संशोधन लाया गया है अनटचेबिलिटी का, इस तरह से बताना है कि आर्टिकल 17 इतना मतलब मालूम, अनुच्छेद का नाम अगर लिख दीजिएगा तो बहुत प्रामाणिकता रहेगा। अगर नहीं मालूम है, मान लीजिए आप अनजादे लिख देते हैं कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत, ऐसे छुआछूत 17 में लिखा गया है, बताया गया है कि, तो वो सोचेगा कि यार कितना आदमी पढ़ा हुआ है, और अगर अनपथाड़े लिख दे रहे हैं और उसको भी अगर नहीं मालूम है तब तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको मालूम है ना तो काट देगा। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद वगैरह का जब भी नाम दीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ लीजिएगा।
भारतीय संविधान एवं भाषा पर एक नोट लिखे, राइट अ नोट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स एंड लैंग्वेज, भारत के राजनीति में। देखिए भाषा के आधार पे राज्यों को बांटा गया, सबसे पहले जो राज्य बांटा गया भाषा के आधार पे वो बांटा गया था हमारा तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को, ठीक है। और फिर भाषा के आधार पे, सभ्यता के आधार पे झगड़ा होने लगा, उसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, बहुत सारे आधार पे फिर बाद में बात आ जाने लगा। आपको बताना कि भारत में कितने भाषा चलते हैं और इतना विविधता होने के बाद भी हम सब में एकता कैसे निहित है। जब भी बात आता है हमारे देश की, तो हम चाहे किसी भी राज्य के नागरिक हो, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज बताना है। क्षेत्रवाद को रोकने का एक उपाय लिखे, क्षेत्रवाद क्या है, जैसे हम झारखंडी, हम बिहारी, हम फलना, तुम ढिमका, तुमको और अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे, ये है क्षेत्रवाद, ठीक है। और इसको कैसे रोका जा सकता है ये चीज बताना है। ऐसा नहीं कि भाई तुम तमिलनाडु का है तो हमारे राज्य में कहाँ आया, भागो साले को। तो ये सब जो है ना क्षेत्रवाद है, ठीक है। रीजनलिज्म मतलब अपने ही क्षेत्र को बढ़ावा देना, अपने ही क्षेत्र के लोगों को चाहना, दूसरे लोगों को धिक्कार कर निकाल देना, ठीक है। ये एक हद तक सही है, लेकिन जब बहुत ज्यादा होने लगे ना तो इसे हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं, ठीक है। ऐसे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे जाकर के अपना काम कर सकता है, रह सकता है, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा होती है सबकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 आदमी कहीं काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, तो 90 आदमी उस राज्य का रहेगा, 10 को बाहर का रहेगा, ये चलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि 90 को बाहर का है और 10 को उस राज्य का है, तो ये गलत बात है, ठीक है। सबका एक सीमा होता है, सीमा के अंदर में रह के काम कीजिएगा तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। चलिए, और पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़ लेना है। लेकिन आपको जो है ऑफलाइन बुक भी परचेज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़िए। जब आपके पास बुक नहीं है, कहीं पे जा रहे हैं, तब आप ऑनलाइन का सहारा लीजिए, कहीं पे मोबाइल सामने है तो शॉर्ट्स देखने के बजाय आप किताब को पढ़ लीजिए, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ा कीजिए। बहुत से दोस्तों को बुक वगैरह नहीं खरीद पाते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी मौका मिले तो बुक को खरीदें, क्योंकि बुक ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। इसमें आपका आँख भी खराब नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ने से आँख भी खराब होता है यार, ठीक है, सबको मानता है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और धीरे धीरे मैं सबका वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, टाइम लगता है भाई, मेहनत लगता है, ठीक है, बाय।